हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP 2000 यहाँ 22 नहीं होगा यहाँ 2023-27 सेशन में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। और आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, आपका सेमेस्टर वन का पेपर होने वाला है और सेमेस्टर वन का पेपर से पहले आपको फॉर्म फिलअप रेडी हो जाइए। आपका पेपर फरवरी में होगा। इन सब चीजों के साथ साथ आप सभी बच्चे कम समय है, कम समय में आप अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको चैनल मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आता है सारा वहां शेयर किया जाए। कुछ पूछना रहेगा फेसबुक पेज में आप उससे वहां पर पूछ सकते हैं। तो पहले जान लीजिए आप सभी बच्चों का सेमेस्टर वन का जो पेपर होगा, यानी कि आपका एक्सटर्नल का जो पेपर होगा, कब होगा भैया? तो वो होगा आपका जाके फरवरी में। अब बोले सर फरवरी में का है कि 23 दिसंबर तो बिना वहावे ने दिया होता डेट, तो बिना वहावे में अभी पता है आपको एडमिशन ही चल रहा है, सेमेस्टर वन का एडमिशन ही चल रहा है, तो आपको क्या लगता है आपका पेपर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर। फरवरी में ही आपका, फरवरी में BBMQ में होगा, उसके बाद बिना वहावे होगा, फिर इस तरह SKM में होगा, रांची होगा, सब यूनिवर्सिटी में धीरे धीरे प्रोसेस चलता है। एक टाइम में कहीं पर आपका जो कैसे एग्जाम चलता है वो कुछ नहीं होता, धीरे धीरे करके सभी यूनिवर्सिटी जो झारखंड में आपका एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगा, सबके सब लगातार चलता चला जाएगा। इसलिए आप सभी बच्चे पहला जो सबसे पहले एग्जाम स्टार्ट होगा तो वो हो सकता है BBMQ में, उसके बाद होगा BBO में, इस प्रकार लगातार सिर्फ सफल चलता रहेगा। तो फरवरी पेपर तो होगा, तो आप सभी फॉर्म फिलअप कब होगा? तो नए साल के बाद, यानी आप जब नए साल की छुट्टियां मना रहे होंगे तो हमारा यूनिवर्सिटी आप सही बच्चों को तोहफा दे देगा कि चलिए बच्चों बहुत हो गया, छुट्टी मना लिया, नए साल का गिफ्ट, अब आपको मिलता है फॉर्म फिलअप करने का मौका। फॉर्म फिलअप आप सही बच्चे करिएगा। फॉर्म फिलअप हो गया, बचा कब? आपके पास रहेगा 15 से 20 दिन। अब इस 15 से 20 दिन में आप जाइएगा मार्केट, और मार्केट में आपको मिलेगा गैस पेपर, नाम नहीं लूंगा किस पेपर का वरना फिर से जैसे कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगा हमारे बीच, ठीक है? तो मार्केट में हमारे पास बहुत सारे गैस पेपर है, सब अपने अपने पब्लिकेशन को बेस्ट बोलेंगे, लेकिन अगर मैं भी अपना पब्लिकेशन गेस्ट पेपर लाऊंगा तो भाई मैं भी खुद नहीं बोल सकता बेस्ट। क्यों? क्योंकि कोई भी गेस्ट पेपर याद रखिएगा वो आपको 100% मार्क्स नहीं दिला सकता, कोई फिक्स नहीं है एग्जामिनेशन का किसी यूनिवर्सिटी का कि इससे ही क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। क्यों? वो जो क्वेश्चन जो डिजाइन होते हैं, मैं वास्तविकता बता रहा हूं, वो कॉलेज के प्रोफेसर ही रहते हैं बेसिकली, ठीक है? जो रिटायर्ड होते हैं वो क्वेश्चन चेक करते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन आजकल हो गया यूनिवर्सिटी भी हमारा थोड़ा एडवांस हो गया, वो करता है इंटरनेट का यूज, वो जाता है गूगल पे, गूगल पे जाता है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, जैसे कि अभी आपको मालूम होगा पेपर हुआ था सेमेस्टर टू में ग्लोबल सिटीजनशिप का पेपर हुआ था, ठीक है? वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो अनअकैडमी की वेबसाइट से उठा लिया गया था। बताइए, तो आप बताइए, आप पढ़िएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, दे देगा आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, आप क्या करिएगा? तो इसलिए आपको खुद दिमाग लगाना है कि आपका जो पेपर होगा उसके लिए आपको टेक्निकल दिमाग लेके चलना है यहाँ पर, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको पढ़ना कैसे प्रयास दीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, आपको रद्दी कुछ भी नहीं पढ़ना है। किसी पार्टिकुलर मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप इस गेस पर पढ़ो, भाई नहीं आता पूरा पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन। बोलिए सर हमारा तो पूरा पूरी जो सिलेबस का जो सेशन सिलेबस है वो तो पूरा न्यू है। बोले हाँ भाई एकदम न्यू, कोई दिक्कत नहीं आपका, न्यू है तो क्या हो गया, आपके खुद बताइए। आप क्लास जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फिजिक्स ऑनर्स का, मैं मान लेता हूँ फिजिक्स ऑनर्स का, वो 11th 12th फिजिक्स पढ़ के आया, आप अपने फिजिक्स के टीचर से पूछोगे ना वो आपको बता देगा ग्रेजुएशन में ये सब साल फिक्स होता है, केमिस्ट्री उसका पूछ लीजिएगा। बोले आर्ट्स का भी होता है एकदम, सिलेबस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है वो टॉपिक है जिससे सवाल बनता है पेपर में, तो वो आपको खुद ब खुद टिक करके दे सकते हैं, इतना उनके पास नॉलेज रहता है क्योंकि वो लगातार पढ़ा रहे, कंटिन्यूस उनको नॉलेज है। बाकी किसी केस पर बोलिएगा ना किस पर क्या है, पूरा एक पेज है, ठीक है? एक पूरा कॉपी समझिए या बुक समझ छोटा सा जिसमें सारा का सारा सिलेबस का क्वेश्चन आ सकता है, कुछ सोचिए ना, एकदम नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए क्या करिए, गेस्ट पेपर पढ़ना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी इच्छा, वो आप पे निर्भर करता है कि भाई आपको 24 से लिखना है जैसे वो आप पे करता है वो लिखिए। लेकिन जो बच्चा समझदार होगा उसको समझ में आएगा उसको क्या करना है। बाकी आप ही बच्चे फॉर्म फिलअप अपडेट दे दिया, आपको फॉर्म फिलअप कब होगा, परीक्षा कब, तैयार रहिए। बाकी हमारे चैनल पर देखिए आपको जो AEC हिंदी हो, इंग्लिश हो, डिजिटल एजुकेशन हो, अंडरस्टैंड इंडिया हो, ये सब के सब पेपर देखिए मैं पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपको देखने का समय मिले तो आप उन सब वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।